आसमान छू रही महंगाई के बीच घरेलू गैस के दाम में भी 50 रुपए का बढ़ावा लागू करते हुए आज वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा गैस सिलेंडर के कट आउट और पोस्टर के साथ भारी विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां शहर के मांडवी विस्तार में किए गए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस ने बाद कांग्रेस अग्रणी सहित के कार्यकर्ताओं की अटकायत की थी। गतिशील और विकासशील गुजरात में महंगाई मानो धीमे धीमे आसमान छूकर पार हो रही है। हर एक चीज में दाम बढ़ावा लागू करने के बाद एक बार फिर घरेलू गैस के दाम में 50 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके साथ अब घरेलू गैस के दाम 1012 रुपए तक पहुंच चुके हैं, जो ये बढ़ रही महंगाई के बीच अब एक आम आदमी और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का जीवन बसर करना काफी कठिन और मुश्किल हो रहा है। पहले से ही कम आमदनी और कोरोना काल के कारण इसकी सीधी असर रोजगारी पर हो रही है और अब धीमे धीमे हर एक खाद्य चीज और जीवन जरूरी चीज के दाम में दाम बढ़ावा लागू करते हुए एक मध्यम वर्गीय परिवार पर और भी कमर तोड़ बोझ बढ़ाया जा रहा है। जहां आज वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा घरेलू गैस के दाम में इजाफा किए गए ये दाम बढ़ोतरी का विरोध करते हुए शहर के मांडवी विस्तार में विरोध प्रदर्शन किया गया। पहले से ही तेल सहित पेट्रोल डीजल और अन्य खाद्य चीजों के दाम बढ़ावे का विरोध करने के बीच एक बार फिर घरेलू गैस के दाम में भी बढ़ावा लागू करते हुए एक मध्यम वर्ग परिवार का जीवन बसर काफी कठिन हो चुका है। जहां आज वडोदरा शहर कांग्रेस के प्रमुख ऋत्विक जोशी, विपक्षी नेता अमी रावत तथा कांग्रेस के अग्रणी नरेंद्र रावत सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता अग्रणियों द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकार के खिलाफ सूत्रोच्चार लगाते हुए वर्ष 2014 में बहुत महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार के सूत्र के साथ भाजपा द्वारा बहुमति प्राप्त की गई थी, लेकिन भाजपा के शासन आने के बाद दिन प्रतिदिन महंगाई में काफी इजाफा किया जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए आज वडोदरा शहर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करने के बीच सरकार विरोधी सूत्रोच्चार और नाराजगी व्यक्त की थी और कई गंभीर भ्रष्टाचारी आरोप भी लगाते हुए भारी हंगामा घटित किया गया, जो ये कार्यक्रम पर आखिरकार पुलिस ने रोक लगाते हुए कांग्रेस अग्रणी ऋत्विक जोशी सहित कांग्रेस अग्रणी तथा कार्यकर्ताओं की अटकायत करने के बाद ये मामला संभाला गया था, जहां कांग्रेस के ऋत्विक जोशी सहित विपक्षी नेता सहित 7 जितने लोगों की अटकायत करते हुए ये विरोध प्रदर्शन बाद विफल बनाया गया। आयोजन छे रांधण गैस ना भाव ना बोटलो दिवस दिवसे एना भाव आसमाने जई रह्या छे। जे गैस नो बोटल कांग्रेस की सरकार मा डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हता 2014 मा 400 रुपया नो रांधण गैस नो बोटल આજે 999 નહીં 1000 રૂપિયા થઈ ગયો। કોંગ્રેસ પાર્ટી સબસિડી આપતી હતી, આ લોકોએ ઝીરો સબસિડી કરી। જે તેલનો ડબ્બો 999 રૂપિયાનો મળતો હતો આજે 2800 રૂપિયાનો મળે છે। જે પેટ્રોલ 60 રૂપિયાનું મળતું હતું આજે 105 રૂપિયાનું મળે છે। જે ડીઝલ 40 રૂપિયાનું મળતું હતું આજે 106 રૂપિયાનું મળે છે। તો તમે 2014માં સૂત્ર આપ્યું, તમને પ્રજાએ તમારી પર વિશ્વાસ કર્યો, ભાજપ પડા પર તમે સ્લોગન આપ્યું બહુત હુઈ મહેંગાઈ કી માર, અબ કી બાર યે સરકાર વો સરકાર। તો પબ્લિક એવું કહે છે કે બહુત હુઈ મહેંગાઈ કી માર, अब की बार भाजप की लूटरों की सरकार। आ वडोदराणी गुजराती ने देश की प्रजा अनुभव कर रही है। अमे कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी ना सिपाही छे, अमे मोंघवारी सामे आंदोलन नु बीड़ू उपाड्यू छे, अमारा नेता राहुल गांधी आखा देश में आ लोकोनी सामे लड़े छे, अमे पण लड़ी रहा छे अने अमे नथी गभराता भाजप थी, कारण के महात्मा गांधी ना नेतृत्व में आ देश ने कांग्रेस आजादी अपाई। आ बीजी आजादी की लड़ाई है, अमने लागी रह्यु छे अने माटे अमे प्रजा माटे रोड रस्ता पर आया छे। तो गैस ना बोटल नो भाव वधारो, पेट्रोल डीजल नो भाव वधारो, मोंघवारी जे कूदके ने भूसके वधी रही छे, आ बधा मुद्दा ने लईने वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा मांडवी थी न्याय मंदिर अमे आ भाव भाव वधारो ने मोंघवारी विरुद्ध में आंदोलन राख्यु छे। ફરી ગેસના ભાવ 50 રૂપિયા ભાવ વધારો થયો। દરેક શહેરમાં ગેસનો ભાવ આજે 1000 રૂપિયાને પાર થઈ ગયો। એક સામાન્ય ઘરમાં જ્યારે ગેસનો સિલિન્ડર 20 દિવસ 21 દિવસ ચાલતો હોય, એટલે કે રોજનો 50 રૂપિયો ફક્ત ગેસનો ખર્ચ। આજે ભારતમાં એક બાજુ જીએસટી, નોટબંધી, કોરોનાના લીધે લોકોની બેરોજગારી વધી છે, આવકો ઘટી છે, બીજી બાજુ સતત મોંઘવારીનો મારો, પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ જોઈ લો, અનાજનો ભાવ જોઈ લો, તમામ ખાદ્ય પદાર્થના ભાવ જોઈ લો, અને હવે આ રાંધણ ગેસનો ભાવ વધારો। ગૃહિણી જાય તો ક્યાં જાય, જે ઘર 15000માં ચાલતું હતું આજે 25000માં બી નથી ચાલતું, ઘરના બે છેડા મેળવવા મુશ્કેલ થઈ ગયા છે, મોંઘું શિક્ષણ, તમામ વસ્તુમાં મોંઘવારી, બેંકોની લોનો મોંઘી થઈ ગઈ, હપ્તા વધી ગયા, ત્યારે લોકોની વેદનાને વાચા આપવા આજે અમે આ જનતા આંદોલન કરી રહ્યા છીએ।